कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चीमा, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल कृषि मीडिया एंड टेक में। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं मैसी फर्गूसन 241 DI ट्रैक्टर की। ये दोस्तों सिंपल वाला मॉडल नहीं है, 44 HP की कैटेगरी के अंदर कंपनी ने हाल ही में ये ट्रैक्टर लॉन्च किया है। तो इसके अंदर ऐसे ही काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हैं कंपनी ने, तो उन सारे चेंजेस की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। साथ में आपको इस ट्रैक्टर की ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे कि किस प्राइस के अंदर आप इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है आज का आप लोगों के लिए, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं साइट प्रोफाइल से ही, तो यहाँ पर आपको मैसी फर्गूसन 241 DI की बैजिंग मिल जाती है। वहीं पर दोस्तों अगर इसके फ्रंट लुक से बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो लुक है वो 245 वाला लुक जिसको दिया गया है फ्रंट में, आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट हिस्सा जो बनाया गया है इसका वो बिल्कुल ही फ्लैट बनाया गया है। पहले पीछे की तरफ दबा हुआ आता था तो वो यहाँ पर फ्लैट कर दिया गया है, और सिल्वर कलर की यहाँ पर इसके अंदर एक फिनिशिंग टाइप यहाँ पर ये दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक ट्रैक्टर को ये दे रही है दोस्तों। वहीं पर हेडलाइट में भी चेंज कर दिया गया है, पहले इसके अंदर गोल हेडलाइट आती थी, अब इसके अंदर चौकोर स्टाइल के साथ में इसकी हेडलाइट कर दी गई है। बट यहाँ पर जो हेडलाइट है वो हेलोजन टाइप की ही है, और फ्रंट में आपको मैसी का जो लोगो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक के साथ में दिया गया है। ब्लैक कलर की जाली भी लगाई गई है जिससे कि एरेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और ट्रैक्टर का लुक भी अट्रैक्टिव लग सके। साथ में बम्पर इसके अंदर 80 से 90 किलो का कंपनी फिटेड आपको देखने को जाता है जो कि ब्लैक कलर के साथ में यहां पर इसके अंदर दिया गया है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगर इसके बात करेंगे मेनली फ्रंट एक्सल की, तो यहाँ पर भी आपको चेंज इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर अब सीधा फ्रंट एक्सल कर दिया गया है, जबकि पहले इसके अंदर सीधा नहीं घुमावदार फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता था, तो वो यहाँ पर इसके अंदर चेंज कर दिया गया है। बट यहाँ पर जो स्टेयरिंग है इसके अंदर वो आपको डुअल टाई रोड के साथ में मिलेगा, एक टाई रोड इधर मिलेगी और एक टाई रोड इसके दूसरी तरफ जाते हुए आपको दिख जाएगी। यहाँ पर ऑप्शनल के साथ में आप पावर स्टेयरिंग भी ले सकते हैं दोस्तों। वहीं पर अगर इसकी बात करेंगे टायर साइज़ की, तो फ्रंट टायर दोस्तों इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं 600/16 के दिए गए हैं। दोस्तों अगर मेनली बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर का 44 HP का 2500 CC का इंजन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि बोस के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में यहाँ पर ये दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री ये पंप जो है वो माना जाता है। पहले 42 HP के अंदर आता था, अब कंपनी ने इसको 44 HP के अंदर कर दिया है। ये हवा निकालने के लिए यहाँ पर पंप दिया गया है जिसके थ्रू आप ट्रैक्टर के अंदर अगर आपके डीजल खत्म हो जाता है तो इसके थ्रू आप जो है हवा वगैरह निकाल सकते हैं। वहीं पर दोस्तों नीचे की तरफ आपको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूंगा तो यहां पर इसके अंदर आपको इंजन ऑयल फिल्टर भी देखने को मिल जाता है, और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो इसके अंदर वाटर सेपरेटर मिलेगा, और इसी के जस्ट पीछे की तरफ आप देखते हैं तो यहां पर आपको डुअल डीजल फिल्टर इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि डीजल को काफी अच्छे से फिल्टर करने का ये दोस्तों काम करते हैं। वहीं पर दोस्तों अब अगर बात करेंगे इसके बोनेट की, तो बोनेट के ऊपर आप देख सकते हैं हाई लिफ्ट की जो बैजिंग है वो दी गई है, और इसका जो बोनेट है वो सिंगल पीस बोनेट दिया गया है जो कि आगे की तरफ ओपन होता है। मैकेनिकल पूरी तरीके से बोनेट है इसका, और इसी तरीके के दोनों तरफ लॉक दिए गए हैं जिनसे कि आप अपने बोनेट को लॉक और अनलॉक काफ़ी इजीली जो है कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो इसकी जो बैटरी है वो यहीं पर दी जाती है जहाँ पर डीजल टैंक होता है अन्य ट्रैक्टरों में, वहाँ पर इसकी बैटरी दी गई है जो कि एक तरीके से सेफ रहती है। इसके बाद अगर एयर क्लीनर की करेंगे तो ऑयल बार टाइप का प्री क्लीनर के साथ में आने वाला आपको एयर क्लीनर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से एयर को एक क्लीन करने का काम करता है। खास बात है इसके अंदर चोकिंग सेंसर भी कंपनी ने दे दिया है। इसी के साथ में अगर बात करेंगे इसके प्लेटफॉर्म की, तो चढ़ने के लिए यहाँ पर आपको पायदान देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू काफ़ी इजीली आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ सकते हैं, और प्लेटफॉर्म भी इसका पहले के मुकाबले काफ़ी ऊँचा कर दिया गया है, लेकिन हल्का सा यहाँ पर बम्प आपको जरूर बीच में देखने को मिल जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर मेनली इसके बाद यहाँ पर करेंगे क्लच की, तो यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर है वो डुअल क्लच के साथ में आता है, जो कि आपका अगर आप हाफ प्रेस करते हैं तो आपका जो ट्रैक्टर है वो रुक जाता है, अगर आप फुल प्रेस कर देते हैं तो जो PTO है वो भी आपकी रुक जाती है। वहीं पर गेयरबॉक्स की बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट में सेंटर शिफ्ट गेयरबॉक्स मिलता है, यहाँ पर भी चेंज है। इसके अंदर जो गेयर हैं वो आपको 5 फॉरवर्ड + 1 रिवर्स, टोटल इसके अंदर 10 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स गेयरबॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, जबकि पहले 8+2 आता था। तो यहाँ पर स्पीड को भी इसकी जो है बढ़ाया गया है, वहाँ पर
पर एक गियर एक्स्ट्रा कर दिया गया है। ये यहाँ पर पीटीओ के लिए लीवर है। पीटीओ दोस्तों इसके अंदर 12 तरीके की मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप मनचाही स्पीड ले सकते हैं, रिवर्स पीटीओ में चला सकते हैं, फॉरवर्ड पीटीओ में चला सकते हैं, 540 नॉर्मल चला सकते हैं, या फिर आप उसे लाइव पीटीओ भी चला सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन आपको वीडियो के अंदर इस ट्रैक्टर के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हैंड ब्रेक इसका बिल्कुल कारों की तरह दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपने ट्रैक्टर को ब्रेक लगाकर आसानी से कहीं पर भी खड़ा कर सकते हैं। सीट की यहाँ पर बात करेंगे तो दोस्तों प्रॉपरली एडजस्टेबल सीट है, जिसको कि काफ़ी ईजिली आप अपने हाइट और वेट के अनुसार आगे पीछे और ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं पर इसकी सीट की कुशनिंग की बात करेंगे तो कुशनिंग भी इसकी एवरेज टाइप है, ज़्यादा मैं अच्छी तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल मीडियम टाइप की आप इसकी कुशनिंग जो है वो मान सकते हैं। और इसके अंदर सीट के बीच में भी मैसी का जो लोगो है वो डिज़ाइन यहाँ पर कंपनी ने किया है। इसी के साथ में अगर ऊपर से चढ़ते हैं इसके और बात कर लेते हैं स्टेयरिंग की, तो यहाँ पर स्टेयरिंग के बीच में भी आपको मैसी का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टेयरिंग के यहाँ पर साइज़ की बात करेंगे तो ओवरऑल एवरेज साइज़ है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ का है। डैशबोर्ड की यहाँ पर बात करेंगे तो एनालॉग आरपीएम मीटर आपको मिल जाता है, एनालॉग इसका टेम्परेचर मीटर, बैटरी का मीटर और साथ में जो इंजन ऑयल प्रेशर मीटर है और इसका फ्यूल का मीटर है वो भी आपको एनालॉग मिलेगा, जबकि आवर मीटर इसके अंदर फुली डिजिटल आपको देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड में भी ओवरऑल कोई चेंज नहीं है और लेफ्ट साइड में इसके इंडिकेटर के और लाइट वगैरह के कंट्रोल कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं जैसे कि आपको कारों में मिलते हैं, कुछ इसी तरीके के इसके अंदर कंट्रोल हैं। और राइट साइड में इसकी जो हैंड वाली रेस है वो मिल जाती है, जिसके थ्रू काफ़ी ईजिली आप अपने ट्रैक्टर को जो इसकी रेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज का मिरर है जो कि पीछे से आ रहे व्हीकल को इंडिकेट करने का काम करता है। यहाँ पर ब्रेक्स की बात करेंगे तो ब्रेक में मेन चेंज मैं आपको बता दूं, पहले ड्राई टाइप के डिस्क ब्रेक आते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती थी, मैसी के साथ ब्रेक नहीं लगते थे, अब यहाँ पर ऑयल इमर्ज्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक कंपनी ने दे दिए हैं। इसी के साथ में डुअल हाइड्रोलिक कंट्रोल मिल जाते हैं। हाइड्रोलिक के तो बहुत सारे किसान भाइयों को मानना ये है कि हाइड्रोलिक में नंबर वन होता है ट्रैक्टर, ये तो यहाँ पर कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाइड्रोलिक के अंदर डुअल कंट्रोल है, एक डीसी लीवर है और एक इसके अंदर पीसी लीवर है, जिससे कि आप उनमें हाइट और इसकी जो पोजीशन है उसको काफ़ी इजीली जो है सेट कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों अगर मेनली इसके बात करेंगे यहाँ पर तो आप लोग देखेंगे इसके अंदर हाइड्रोलिक लॉक भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपने कोई भी इंप्लीमेंट कैरी कर रहे हैं तो उसको ऊपर उठाकर यहाँ पर हाइड्रोलिक लॉक भी कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अब इसके इंडिकेटर की बात कर लेते हैं तो इंडिकेटर के अंदर कोई चेंज नहीं है, हैंडल बार मडगार्ड के ऊपर लगा दिया है, जिसके ऊपर आप काफ़ी इजीली इसके थ्रू चढ़ सकें। और यहाँ पर इंडिकेटर बिल्कुल सिंपल टाइप के हैं, आगे रबड़ भी दी गई है इंडिकेटर की प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों। इसी के साथ में अगर मेन इसके टायर्स की बात कर लेते हैं, बैक टायर्स की, तो यहाँ पर बैक टायर है वो 13x28 के आपको देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। रिम का कलर यहाँ पर सिल्वर ही दिया गया है और इसके पिछले टायर्स के ऊपर 35-35 केजी का वेट भी दिया गया है, जिससे कि जो ट्रैक्टर की स्लिपेज की दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं कम की जा सके और उससे जो किसान को छुटकारा है वो मिल सके। अपोलो के बैक टायर इसके अंदर दोस्तों दिए गए हैं। इसी के साथ में दोस्तों मेनली अब इसके बात कर लेते हैं पिछले हिस्से की। दोस्तों बात अगर इसके इंडिकेटर्स की यहाँ पर करें तो इंडिकेटर बिल्कुल डिसेंट लुक के साथ में मैसी देता है, अपने बैक इंडिकेटर जो हैं वो जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगते हैं दिखने में भी, और हेलोजन टाइप के ही बैक इंडिकेटर इसके अंदर दिए गए हैं। साथ में दोस्तों मेन चेंज यहाँ पर इसके रियर एक्सल के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी जो रियर एक्सल इसका वो कर दिया गया है और ऑयल इमर्ज जो ब्रेक हैं वो यहाँ पर इसके अंदर दिए गए हैं दोस्तों। और इसके क्राउन पिनर ना टूटे उसके लिए इसके अंदर प्लेंडरी का भी ऑप्शन कंपनी ने दिया है और स्टेट टाइप के एक्सल है, कोई ग्रीसिंग पॉइंट नहीं है उनके अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा चेंज कंपनी ने इसके अंदर किया है। वहीं पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसका साइज आप लोग देख पा रहे हो अगर, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी पहले की तुलना में कर दिया गया है। और सेंसिंग की यहाँ पर बात करें तो सिंगल पॉइंट है, काफ़ी है मैसी में, काफ़ी अच्छी लिफ्ट इसकी मानी जाती है। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर भी दिया गया है, ट्रॉली वगैरह आप इसे अगर उठाना चाहते हैं तो इसके थ्रू उठा पाएंगे। वहीं पर 12 वोल्ट का सॉकेट पीछे ट्रॉली वगैरह में लाइट फिटिंग के लिए दिया गया है। वहीं पर साथ में अगर आप लोग देखेंगे पीछे की तरफ, सीट के जस्ट पीछे की तरफ, तो रिफ्लेक्टर भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में ही बोतल होल्डर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं पर दोस्तों इसके टूल बॉक्स की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज का यहाँ पर दोस्तों टूल बॉक्स इसके अंदर दिया गया है, जिसके अंदर छोटा मोटा सामान वगैरह काफ़ी ईजिली आप जो है कैरी कर सकते हैं। फाइबर की जो यहाँ पर टूल बॉक्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है दोस्तों, तो कोई दिक्कत आपको लंबे समय तक इसके साथ में नहीं आने वाली। इसी के साथ में मेन चीज़ मैं आपको बता दूं इसके अंदर, इसकी हाइड्रोलिक्स की यहाँ पर बात करेंगे तो 1700 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। लिंकेज का साइज़ भी नॉर्मल है ओवरऑल, और यहाँ पर जो इसकी हाइड्रोलिक है वो इधर उधर ना ले, उसके लिए एक तरफ चैन सिस्टम और एक तरफ जैक सिस्टम दे दिया गया है, तो मजबूती इसके अंदर हर एक पार्ट में आपको पहले की तुलना में देखने को मिल जाएगी, जबकि पहले इस तरीके का सिस्टम नहीं आता था इसके अंदर, तो ये भी एक बड़ा चेंज कंपनी ने इसके अंदर कर दिया है। बात इसकी पीटीओ की करेंगे तो जैसा कि आपको बताई दिया 12 तरीके की पीटीओ स्पीड आपको मिल जाती है। नॉर्मल पीटीओ ले लें, चला लें आप, रिवर्स पीटीओ चला लें, मल्टी स्पीड चला लें, या फिर आप इसके अंदर लाइव पीटीओ भी चला सकते हैं।
वहीं पर BTO HP की बात करेंगे तो 36.5 HP की BTO पावर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पर दोस्तों इसकी अगर बैकलाइट की बात करेंगे तो चौकोरी स्टाइल के साथ में हेलोजन टाइप की काफ़ी शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई इसके अंदर बैकलाइट दी गई है। यहीं पर इसका स्विच दिया गया है तो ऑन ऑफ यहीं से आप इसको जो है वो कर पाएंगे। ओवरऑल लुक पीछे से अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इसका लुक देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ट्रैक्टर के टोटल वेट की, तो 1875 किलोग्राम इसका टोटल वेट दिया गया है। लेंथ की बात करेंगे तो 3340 mm जो है इसकी लेंथ दी गई है। चौड़ाई की बात करेंगे इसकी तो 1690 mm जो है इसकी वो चौड़ाई दी गई है। दोस्तों अब अगर बात करें इस ट्रैक्टर की ऑन रोड प्राइस की तो 6,30,000 के अराउंड आप इसकी जो प्राइस है वो रखी गई है, जो कि स्टेट वाइज आपको प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वीडियो मैसी 241 DI 44 HP कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है इसकी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरीके की शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।